अयूरोपियन होना चाहिए, यानी यूरोपियन और यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है, यूरोपियन के पहले एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, मेनी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मेनी दिया है, मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल और ये वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल, इसलिए नो इरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। बोलिए बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन मेनी से पूछे जाते हैं। तो पहला हमने आपसे के साथ डिस्कस किया मेनी एंड मच के बारे में बताया, और उसके बाद फिर मेनी के बाद नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी उसको हमने कैटेगराइज करके बताया है। एक दो क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर इस तरह से है, मेनी अ स्टार आर ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग इन द स्काई, इसके बाद लिखा है नो एरर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मेनी अ प्रोफाउंड, मेनी अ प्रोफाउंड प्रोफाउंड थिंकर ऑलवेज ऑलवेज बिलीव बिलीव इन हार्ड वर्क, इसके बाद फिर लिखा है नो एरर, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताएं इसमें कहाँ पे गलती है। तो देखिए, मेनी अ स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो मेनी ए आ गया है बच्चों, तो मेनी ए के बाद क्या होना चाहिए, नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या होगा, इज होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर आर के स्थान पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। दूसरा है, मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क, तो मेनी ए आ गया है बच्चों, तो मेनी ए के बाद क्या होता है, मेनी ए के बाद हमारा नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बिलीव लिखा है, जो कि ये गलत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, जब हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, यस या ईएस या आई ई एस जोड़ते हैं, तब वो क्या होती है, तब वो सिंगुलर होती है। बोलिए, और नाउन में अगर हम जब नाउन में क्या जोड़ते हैं, यस ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, तब वो प्लूरल होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेनी ए है, मेनी ए के बाद नाउन तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमारा क्या है, बिलीव है, तो यहाँ पर जो बिलीव लिखा है बच्चों, ये बिलीव के स्थान पर क्या होना चाहिए, बिलीव्स होना चाहिए, बी ई एल आई ई वी ई एस, इसमें यस लगेगा तब ये सिंगुलर होगी, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, गलत है। तो क्या होना चाहिए, मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर ऑलवेज बिलीव्स, बिलीव में यस लगेगा, बिलीव्स इन हार्ड वर्क, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहाँ पर गलती है, ऑप्शन बी गलत है, यहाँ पर बिलीव के स्थान पर बिलीव्स होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आज क्लियर हो गया होगा कि मेनी, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने दो कंसेप्ट बताया कि मेनी, और पहले तो हमने मेनी और मच के बारे में बताया कि मेनी के साथ काउंटेबल नाउन आएगा और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा। इसके बाद फिर हमने क्या लिया, मेनी नाउन एंड वर्ब,
यानी मेनी के बाद नाउन कैसा होगा, वर्ब कैसी होगी, जिसमें हमने बताया कि मेनी अ गुड मेनी अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मेनी अ गुड मेनी अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद ए या एन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और स्टार्टिंग में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी हमने आपसे बात किया। तो ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल में एक अंतर और होता है बच्चों, कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसको हम सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों काम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कुछ रेयर केसेस में होता है, जो कि हम आर्टिकल्स चैप्टर में बताऊंगा आपको, तो वहाँ पर होता है। लेकिन जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है और अनकाउंटेबल नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बना सकते हो। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे भी होते हैं, जब आप उनका प्लूरल बना दोगे तो उनके मीनिंग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाटर का मतलब पानी, लेकिन जब वाटर्स बोलते हैं तो वो समुद्र का सेंस देने लगता है, सी का सेंस देता है। जिसे आपने बोला उड, लकड़ी, उड्स जंगल हो जाता है। इसी तरह सैंड मतलब बालू या रेत, सैंड्स का मतलब रेगिस्तान हो जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे कि कब होता है। जैसे आयरन का मतलब लोहा, लेकिन आयरन से हथकड़ी होता है, फेटर जिसको बोलते हैं, चैन जिसको बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से कंसेप्ट आपको बच्चों सीखना है हर टॉपिक में। अभी नाउन में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि टीजीटी पीजीटी में कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल अक्सर पूछा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लेकर आएंगे। अभी नाउन सीरीज हमने शुरू किया है, नाउन में हम आपको आज तो हमने सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर आपका जो टाइप्स ऑफ नाउन आता है, जिसमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। वैसे नाउन 5 प्रकार का होता है, आपको पता होगा, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। ये सब सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।